तो आइए चलिए याद करते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, क्या याद करते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया याद करते हैं, भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र याद करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र याद करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया याद करेंगे भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, छोटा सा एक मैप बना करके मैं सारा आपको याद कराता चल रहा हूँ। आप सभी लोग अच्छे से लिखेंगे, मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, है ना? हाँ, तो आप पढ़ा रहा हूँ, सब लोग याद करो भाई, सब लोग याद करो, चलो चलो चलो, और थोड़ा संख्या भी बढ़ाओ। आज क्या हो रहा है, क्या बात है, चलो याद करो मेरे साथ। तो एक मैंने आपको याद करा दिया, बोलो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, क्या याद कराया? एक मैंने आपको याद कराया गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा मैं आपको याद करा रहा हूँ नंबर टू, दूसरा मैं याद करा रहा हूँ, कौन सा याद करा रहा हूँ नंबर टू? तो दूसरा जो मैं आपको याद करा रहा हूँ ये है अगस्त्य मलाई, कौन है ये? ये है अगस्त्य मलाई, और ये कौन सा हो गया? अगस्त्य मलाई हो गया, ठीक, ये हो जाएगा अगस्त्य मलाई। कहाँ है ये? ये केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है, कहाँ है? केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। चलो इसके बाद देखो, इसको बोलो नंबर तीन, और नंबर तीन पे ये हो गया नीलगिरी, क्या हो गया नंबर तीन पे? तो नंबर तीन पे हो गया नीलगिरी, कौन हो गया? तो नंबर तीन पे जो हो गया ये हो गया नीलगिरी, कौन हो गया? नीलगिरी, नीलगिरी हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते, अगला मैं आपको याद करा देता हूँ, अगला देखो, अगला देखिएगा, यहाँ नीलगिरी से आगे बढ़ रहा हूँ। चलो देखो, जैसे नीलगिरी से आगे बढ़ेंगे ये आंध्रा में आ गए, ये नंबर चार, और नंबर चार पे आपको याद करना है, क्या याद करना है नंबर चार पे? तो ये है शेषाचलम, क्या नाम बोला? तो ये है भैया शेषाचलम, और जो शेषाचलम है ये शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। चलो इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद अगला देखिएगा, आगे बढ़ करके आ गए, ये देखो नंबर पाँच, और नंबर पाँच ये हो गया सिमलीपाल, और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। फिर ये याद कर लो नंबर छः, नंबर छः, और सॉरी और नीचे लिखेंगे, ये याद करो नंबर छः, ये कौन है? सुंदरबन का डेल्टा, कौन है? सुंदरबन का डेल्टा है, और ये सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद ये आ जाइए कहाँ? मेघालय में, नंबर सात कहाँ आ जाइए? मेघालय में आ जाइए, और जो नंबर सात मेघालय में है इसका नाम है नोक्रेक, क्या नाम है? तो याद कर लो जो मेघालय में है ना इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है नोक्रेक, नोक्रेक मेघालय, ये नोक्रेक हो गया, कहाँ हो गया? मेघालय में हो गया। फिर इसके बाद यहाँ याद कर लीजिए नंबर आठ, ये कौन हो गया? मानस, कौन हो गया? मानस। फिर ये याद करिए नंबर नौ, कौन है ये? तो नंबर नौ है डिब्रू सैखोवा, कौन है? डिब्रू सैखोवा, कौन नंबर का? नौ नंबर का, कौन हो गया? डिब्रू और सैखोवा हो गया, किस नंबर का? नौ नंबर का। फिर इसके बाद दस नंबर आ गया, और दस नंबर में हम आ गए कहाँ? दिहांग दिबांग, कहाँ आ गए? तो हम आ गए दिहांग दिबांग, कहाँ आ गए? दिहांग दिबांग आ गए, कहाँ? दिहांग दिबांग आ गए। फिर इसके बाद ग्यारह नंबर याद करो सिक्किम, सिक्किम में कौन सा याद करोगे? तो सिक्किम के कंचनजंगा, कौन सा है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद बारह नंबर मान लेना भाई, बारह नंबर आपको मानना ही पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? बारह नंबर आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, मैं ये लिख दूंगा, मैं ये लिख दूंगा बारह नंबर, और मान लीजिएगा कि मैं हिमाचल प्रदेश का लिख रहा हूँ, कोल्ड डेजर्ट, क्या लिखा? कोल्ड डेजर्ट, कहाँ? हिमाचल प्रदेश, कौन सा? तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नंबर तेरह में याद करिए आप, नंबर तेरह में याद करिए आप कच्छ का रण, कौन सा याद किया? कच्छ का रण याद कर लिया, कच्छ का रण याद कर लिया। उसके बाद नंबर चौदह में याद कर लीजिए कौन सा? नंदा देवी,
जो कि दूसरा है, कौन है, उत्तराखंड में। फिर इसके बाद आ जाइए नंबर 15 में, याद करिए पन्ना सबसे लेटेस्ट है, ये 18वें नंबर पे बना है, सबसे नया है। फिर उसके बाद 16 नंबर पे याद करिए पंचमढ़ी, क्या याद किया, पंचमढ़ी। फिर 17 नंबर पे याद करिए अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार और क्या कर अमरकंटक, तो अचानक मार अमरकंटक हो गया। और उसके बाद 18 है कौन सा, तो 18 है ग्रेट निकोबार, कौन सा है, 18 है ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार में, कौन सा, ग्रेट निकोबार हो गया। अब आप बताओ 18 के 18 बायोस्फीयर आप सबको याद हुए कि नहीं याद हुए, एक बार आप सभी लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। आपको ऐसे पेट में इससे क्वेश्चन सीधे एग्जैक्ट आपके पेपर में आएंगे, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे।